व्रत तो सभी करते हैं, लेकिन व्रत करते समय आपको पहले सोमवार को ही यह निश्चित कर लेना है कि आपको अनाज खाना है या फलाहार खाना है। यदि आप अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ भी खाना चाहते हैं उसे हर व्रत में आपको खाना चाहिए। फलाहार या निर्जरा, कई लोग निर्जरा यानी जल पानी और फल फूल के बिना ही व्रत रहते हैं, उसे निर्जरा कहा जाता है। और फलाहार का मतलब होता है फल, जैसे कि सेब केला जो भी फल हैं सब उसको खाकर दूध पीकर इंसान फलाहार करता है। कई लोग एक समय करते हैं, कई लोग दो, ये आपकी शिक्षा के ऊपर है कि आप फलाहार करना चाहते हैं या अनाज खाना चाहते हैं। फलाहार निर्जरा जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं या एक टाइम भोजन कर सकते हैं। क्या आपको खाना चाहिए ये आपको निश्चित करना है, आप स्वयं यह निश्चित कर लें कि आपको फल खाना है। मौसमी फल आए हैं जैसे संतरा केला अनार जो भी आपको प्रिय लगे उस फल को खाकर और दूध पीकर मीठा खाकर आप फलाहार कर सकते हैं। या आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मीठी मूंगफली खीर साबूदाने की खिचड़ी नारियल की बर्फी कई डिश हैं जो आप घर में बनाकर खा सकते हैं। और यदि फल फूल खाना तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार फल फूल खा सकते हैं। कच्चे नारियल की बर्फी भी बड़ी टेस्टी बनती है, उसे भी आप बना सकते हैं। कच्चे नारियल को गोल लीजिए आप और उसको घी में बघार दीजिए, थोड़ा भुनने के बाद उसमें शक्कर की चाशनी बनाकर दूध डाल के या खोवा जो भी आपके पास उपलब्ध है जमा दीजिए, मस्त बर्फी बनती है। मूंगफली की बर्फी तो पेठा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, पर आपको पहले यह निश्चित कर लेना है कि फलाहार या अनाज दो में से जिसको भी आपने प्रारंभ में सोमवार में खाया उसे हर सोमवार को खाना है। और भोलेनाथ की पूजा श्रद्धा भाव से करना है, यदि भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो आपके ज़िंदगी में सुख शांति समृद्धि बरस पड़ेगी, क्योंकि भोलेनाथ जिस मनुष्य पर नाराज हो गए तो बिगड़ जाते हैं और जिस पर खुश हो गए उसे माला माल कर देते हैं। ओम नमः शिवाय।